नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं लोगों के बीच में, डायरेक्ट लोगों से जानते हैं बाबा राम रहीम के बारे में, इनके क्या विचार हैं। हाँ जी मैम, आपका नाम? मीना कुमारी। आप कहाँ से आए हैं? हम खारिया से हैं। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? हमारे को 40 साल हो गए। इतने लंबे समय से आप डेरा के साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या माहौल है लड़कियों को लेकर वहाँ? कोई माहौल नहीं, सब कुछ ठीक है। हमने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा, हम सेवा पे जाते जहाँ भी जाते कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ सही है। समाज के लिए क्या किया गुरु जी ने? समाज ने तो गुरु जी ने बहुत ही काम किया है जो कि किसी ने भी नहीं किए होंगे, जैसे कि खूनदान करना और बाढ़ आने से वहाँ पे सब कुछ राजस्थान में सारा सामान पहुँचाना और गरीबों की सहायता करना, मकान बना के देना विधवाओं को, बहुत अच्छे काम किए हैं गुरु जी ने। बहुत उनकी जितनी भी करें उतनी भी थोड़ा है। आज समाज में गुरु जी नहीं है तो क्या बदलाव देखने को मिला? बदलाव तो है, एक गुरु जी नहीं है, काम तो वैसे सारे डेरे में हो ही रहे, एक गुरु जी बिना भाई हमारे को जाना बहुत ही होता है, नहीं आता था। आपको अपने गुरु जी पे कितना विश्वास है? हमें इतना विश्वास है ना जितना कि अपने माँ बाप पे नहीं है, उतना गुरु जी पे विश्वास है। आपको अपने गुरु जी पे इतना विश्वास है, तो ये बताएं कि जो मीडिया ने दिखाया उसके बारे में आपका कहना चाहोगे? भाई हमने जब तक डेरे में कुछ देखा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो कहते सब कुछ सही है। आपके लिए सब कुछ सही है, तो आप ये बताएं कि सरकार के लिए आप क्या अपील करना चाहोगे? सरकार को लिए ऐसे है, सरकार भी दो तरफ की हो सकती है, उनकी भी सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं। देखो भाई हम तो कहते हैं इनको सही फैसला लेना चाहिए सरकार को। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।